नंबर एक जो तरह का ना मार्कअप होता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल मार्कअप। स्ट्रक्चरल मार्कअप वो होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं कि अगर उन एलिमेंट्स को हम प्लेस करते हैं बॉडी के अंदर तो स्क्रीन पे वो नज़र आते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे जैसे कि टेबल है, हेडिंग है, पैराग्राफ्स हैं, ये सारे स्क्रीन पे नज़र आते हैं। और जो दूसरे तरह का जो होता है उसको हम कहते हैं सिमेंटिक मार्कअप। सिमेंटिक मार्कअप ये है कि मोस्टली वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आता है, समटाइम नज़र आता भी है, लेकिन उसका सिमेंटिक मीनिंग होती है, उसका इंटरनल कुछ मीनिंग होती है। जैसे कि एम्फेसाइज अगर हम लिखते हैं, एम्फेसाइज का एक टैग है जो चैप्टर 2 में उन्होंने जिक्र किया है, तो वो जिस वर्ड के ऊपर या जिस पैराग्राफ के ऊपर हम एम्फेसाइज का टैग लगाते हैं उसको इटैलिक करके दिखा देता है, तो बावजूद इसके कि वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बट वो इटैलिक तो इटैलिक के टाइप से भी हो जाता है। तो वो क्या होता है, स्क्रीन रीडर्स वगैरह के लिए हेल्पफुल होता है कि जब वो उस पैराग्राफ को पढ़ के सुनाएंगे तो वो उसको एम्फेसाइज करेंगे उस वर्ड के ऊपर, या उस तीन चार वर्ड पे अगर आपने एक साथ लगा दिया तो एम्फेसाइज है। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग करके उसमें डिस्कस हुआ है, उस वर्ड को वो स्ट्रॉन्ग करके बोलेगा जी। ये एसईओ में काम आते हैं सारे वगैरह, ये जो सुपर रनर सुंदर होते हैं ये पढ़ते हैं सरकारी में कंप्यूटर मटेरियल अच्छा, ये मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लें कि इसका ना HTML के स्टैंडर्ड में इसका क्या काम है। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है, HTML के स्टैंडर्ड में ये काम है कि जी ये बोलते हैं ना कि जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप ये मेक श्योर करें कि अगर वो वेबसाइट कोई विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है वो भी अगर खोले तो उसको सही दिखे, किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है अगर बंदे में और वो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो उसको आप अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे ये आपकी वेबसाइट को सर्टेन रेटिंग्स मिलती हैं इस बेसिस पे कि अच्छा जी ये, जैसे आपने देखा होगा कुछ मॉल्स होते हैं उसमें जी अच्छा जी हम डिसेबल लोगों के लिए भी रास्ता बनाया हुआ है, सीढ़ी बनाई हुई है, तो वो उसकी एक सर्टेन रेटिंग होती है। ISO वगैरह टाइप के कुछ इदारे होते हैं वो देते हैं, तो इस तरह वेबसाइट की भी रेटिंग होती है। कुछ मुल्कों में जो है वो एक सर्टेन लेवल की वेबसाइट में ज़रूरी होता है ये करना कि जी आप ये करेंगे तो आपकी वेबसाइट अप्रूव होगी, अदरवाइज वो नहीं चलाते, गवर्नमेंट की तरफ से लेजिस्लेशन है, हमारे यहाँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, तो ये तो HTML के अंदर हो गया जी, और वो स्पेसिफिकली स्क्रीन रीडर जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर लोगों को आइडिया नहीं होता, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। इनफैक्ट दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, वो जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल उनके पास आ जाता है, ठीक है। तो आप जितना कुछ आप माउस कीबोर्ड से कर रहे होते हैं वो सारा कुछ आप फिर उसके ज़रिए कर पाते हैं, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और जो कुछ भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होता है वो उन सब चीज़ों को रीड करने की कोशिश करता है। तो आपकी वेबसाइट पे जब वो आता है तो आप अभी इमेज का चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो है ना अल्टरनेट टेक्स्ट एक हम लगाते हैं इमेज के साथ कि जी अगर इमेज लोड ना हो पाए तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट को पढ़ के सुना दे। इसी तरीके से जब कोई जुमला पढ़ा जा रहा होता है तो वो उस जुमले को एक तो सीधा सीधा पढ़ देना इज़ अनदर थिंग, और एक जुमले को अच्छी तरह पढ़ना इज़ अनदर थिंग। तो जुमला असल में जो जुमले लिखे हुए जुमले में और पढ़ने वाले जुमले में यही डिफरेंस होता है कि जब बंदा पढ़ रहा होता है जुमले को या कुछ किसी से बात कर रहा होता है तो वो एक सर्टेन टोन ऊपर नीचे करता है, किसी चीज़ पर जोर देता है, किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करता है, तो इस तरह से क्या होता है कि मोर मीनिंगफुल हो जाता है वो जुमला। तो वहाँ पे जो है ना HTML के अंदर ये चीज़ इन्होंने ऐड की है कि अच्छा जी ये जुमला जब पढ़ा जाएगा तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, और Chapter 2 में अगर उस पॉइंट पे आप वापस जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने एक जुमले को एग्जाम्पल के तौर पे भी इस्तेमाल किया है कि जी एम्फेसाइज अगर जुमले में किस जगह पे हम कर रहे हैं उससे एंटायरली जुमले का मतलब भी चेंज हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये मैंने किसी चीज़ पे भी एम्फेसाइज नहीं किया इसमें कि तुम कहाँ जा रहे हो, सीधा सीधा तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो इसमें जुमले का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली कुछ जुमले ऐसे होंगे जिसमें हो जाता है, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा है कि आई थिंक जॉन इज़ द विनर, तो अब आई थिंक जॉन इज़ द विनर और आई थिंक जॉन इज़ द विनर, इसमें जुमले का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इमोशन चेंज हो रहे हैं जुमले के। तो ये HTML के अंदर इसका काम है। अच्छा, इस बुक में हम HTML के स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, HTML में क्या चीज़ किस लिए बनाई गई है हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप आ जाते हैं कि SEO में इसका क्या रोल है। SEO के अंदर इन्होंने मेटा के भी कुछ टैग्स डिस्कस किए हैं, सिमेंटिक टैग्स में, तो वो मेटा के जो टैग्स हैं वो जाहिर है वो SEO के लिए ही बनाए गए हैं ताकि कोई दूसरी मशीन जब आपकी वेबसाइट को विजिट करे तो उस वो आपकी वेबसाइट को किस तरह से दिखेगी, उसको तो नहीं पता कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ वो किस लैंग्वेज में, तो
तो हम सिमेंटिक उसमें एलिमेंट देते हैं कि अच्छा जी ये फ्रेंच में है या ये इंग्लिश में है, वो हम बताते हैं। आजकल के स्मार्ट ब्राउजर हैं, स्मार्ट मशीनें हैं, उनको पता होता है, वो समझ जाती हैं कि कौन से जुमले में, उनको अब इन चीज़ों की ज़रूरत किसी हद तक नहीं रही है। लेकिन स्टिल HTML का स्टैंडर्ड है तो वो मेटा के टैग्स हम कोशिश करते हैं कि लगाएं। अच्छा, अब उन टैग्स का या मजीद जो भी सिमेंटिक टैग्स हैं या इवन स्ट्रक्चरल टैग्स भी हैं, उसका SEO में क्या रोल होता है, SEO में किस चीज़ का कितना वेट होता है, ये आपको SEO वाले बताएंगे। SEO वाले कौन है? जैसे कि गूगल के ऊपर जब हम SEO करते हैं तो गूगल की अपनी एक गाइडलाइन है कि वो कैसे रैंकिंग करते हैं एक वेबसाइट को, ना किसी भी वेबसाइट को वो कैसे देखते हैं, वो किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है? अच्छा, ये मोस्टली तो एक ही होगा, अगर गूगल की या बिंग की या हम डग डग गो, ये सारे सर्च इंजन है जो मोस्टली यूज़ होते हैं। अभी बिंग बड़ा ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा ChatGPT की वजह से, वापस नीचे भी आएगा इसी तरह अगर उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया तो क्योंकि वो तो अभी वक्त ही है ना, वो तो फिर सबके पास आ जाएगा, तो ये जो सेलिंग पॉइंट है ये बचेगा नहीं फिर तो। फौरी तौर पर तो सेलिंग पॉइंट है, लेकिन इंटरनल इंजन जो है वो इम्प्रूव नहीं किया तो इसी तरह फिर नीचे भी आ जाएगा। वेल, तो ये इन तमाम की ना गाइडलाइंस अलग अलग होंगी, मतलब मोटी मोटी बातें तो सेम होंगी लेकिन इंटरनल चीज़ें सारी अलग होंगी इसकी। तो जिस सर्च इंजन के ऊपर आपको अपनी वेबसाइट को वेट करना है, वेटेज देने हैं, अपनी वेबसाइट का रैंक ऊपर लेके आना है, तो उनकी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो आपको बताएंगे कि अच्छा जी हम क्या एम्फेसाइज को कंसिडर करते हैं या नहीं करते। अच्छा, गूगल पहले तो पूरा बता देता था कि हम ये, अब गूगल ने क्या किया है कि कुछ चीज़ें बता देता है वो, कुछ चीज़ें वो कहता है हम हिडन रखते हैं कि जी ताकि ना इसका मिस यूज़ ना हो। तो वो SEO एक अलग टॉपिक है हमारा, क्योंकि वो टॉपिक नहीं है तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास चैप्टर 3 है, लिस्ट। सबसे पहले इसमें बात हो रही है नंबर्ड लिस्ट की, और बात हो रही है इसमें बुलेट लिस्ट की। अच्छा, नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट दोनों वैसे तो देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट जगहों पे होता है, डिफरेंट मौके पे होता है। अच्छा, जो ऑर्डर्ड लिस्ट है या जिसको नंबर्ड लिस्ट भी कह रहे हैं, उसका उसका कोड ये लिखा हुआ है, इस तरह से होता है कि जी OL का एक टैग ओपन करते हैं और OL का एक टैग क्लोज करते हैं, बीच में LI करके जितने आइटम आपने लगाने होते हैं उतने आइटम आप लगा देते हैं। इस केस में 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं टोटल। ठीक है, तो ये OL के अंदर इसको पैक किया हुआ है। अच्छा, अगर इसी तरह की मुझे एक लिस्ट और बनानी होगी तो मैं इस पूरे को कॉपी करूंगा और नीचे इसी तरह का एक पूरा और बना दूंगा मैं, मतलब एक और OL ओपन कर लूंगा, एक और लिस्ट बन जाएगी। तो 2 3 4 जितनी लिस्ट बनानी हो। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ आएगा, बुलेट नहीं बने हुए आएंगे इसके अंदर। अच्छा, अगर इसकी जगह OL की जगह मैं कर दूं UL, जो कि अगला अभी यहाँ पे डिस्कस हुआ है, ये UL कर दूं मैं, तो फिर ये क्या करने लग जाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना शुरू कर देगा, जिसको हम बुलेट लिस्ट भी कह रहे हैं, शुरू में जो बुलेट लिस्ट का जिक्र किया था। ठीक है, बाकी लिस्ट आइटम बिल्कुल सेम उसी तरह है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कौन मुझे ये बता सकता है कि जी ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट ये कहाँ पे इस्तेमाल होंगी दोनों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, मेरा अंगार सवाल ये है कि वो तो लगाना होगा, जब नंबर वाला तो जाहिर है मैं OL लगा दूंगा ऑर्डर लिस्ट, लेकिन कौन सा मौका ऐसा आएगा कि जहां पे मैं नंबर वाली लिस्ट लगाऊंगा और कौन सा मौका ऐसा आएगा जहां पे मैं बुलेट वाली लिस्ट लगाऊंगा? ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल अंग्रेजी के अंदर ये होता है। जी नंबर जो 1 2 3 नंबर पे जो नंबर 1 पे आना है हम उसको नंबर 1 पे ही रखेंगे, नंबर 2 पे आना है उसको नंबर 2 पे, आगे पीछे नहीं कर सकते, वहां पे हम ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करेंगे। यहां पे हम आगे पीछे कर सकते हैं, वहां पे हम अच्छा दोस्त ने बताया कि जहाँ पे हम ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं वहाँ पे हम बुलेट वाला यूज करेंगे, जहाँ पे नहीं कर सकते वहाँ पे नंबर वाला करेंगे। जी, टेबल टेबल का तो खैर आगे अभी है एलिमेंट, वो दूसरा एलिमेंट है। जी, और कोई बताना चाहेगा आप में से पीछे? अच्छा जी, दोस्त ने कहा कि अगर किसी किसी चीज़ के अगर मुझे छोटे मोटे फीचर बताने हो तो मैं बुलेट का इस्तेमाल करूंगा, और अगर तमाम फीचर बताने, नहीं ये नहीं है।
अच्छा और कोई बताना चाहेगा जी दोस्त, आप सीआर जो है हमारी क्लास के? अच्छा स्टेप बाय स्टेप कोई चीज लिखनी हो तो उसमें नंबर वाली लिस्ट इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने भी मोर और लेस यही कहा है कि सीक्वेंस जहाँ पे मैटर कर रहा हो। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सीक्वेंस जहाँ पे मैटर कर रहा होगा, जहां पे हम स्टेप को आगे पीछे नहीं कर सकते, वहां पे मेरे लिए जरूरी होगा कि मैं नंबर वाली लिस्ट इस्तेमाल करूं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने एक रेसिपी की वेबसाइट बनाने बनाते वक्त ये दोनों लिस्ट का इस्तेमाल किया, तो जहां पे इंग्रेडिएंट का जिक्र है वहां पे इन्होंने ये बुलेट वाला इस्तेमाल किया है कि जी 1 किलो दूध चाहिए और जो है ना 50 ग्राम सॉल्ट बटर चाहिए। और तो ये अब पहले मैं मिल्क खरीद लूं या पहले मैं बटर खरीद लूं, डजेंट मैटर, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। तो इसमें सीक्वेंस डजेंट मैटर, इस केस में इंग्रेडिएंट्स में सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जहां पे ये इसको पकाने की बात आती है तो ये स्टेप नंबर 1 पे आपने ये करना है। फिर जैसे ये तो कोई मुश्किल सी बात लिखी हुई है, मुश्किल सी डिश है, जैसे अंडा बनाते हैं, अंडा फ्राई करते हैं, तो अंडे को फ्राई करने में स्टेप नंबर 1 के अंडे को प्याले में तोड़ना है। स्टेप नंबर 2 उसमें जो है वो अगर ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें प्याज व्याज मिर्ची डालनी है, उसको फिर फेंटना है। स्टेप नंबर 3 उसको फेंटना है। स्टेप नंबर 4 में ऑयल डालना है पैन पे, और स्टेप नंबर 5 में अंडे को उठा के पैन पे डाल देना है। अब ये सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कर सकते कि स्टेप नंबर 5 जो है अंडे को जो पैन पे उंडेलना है वो हम पहले कर दें और अंडे को तोड़ना बाद। भाई टूटेगा तो पहले जब ही तो उंडेलेंगे ना, तो सीक्वेंसेस में मैटर करता है। ठीक है, बिरयानी पकाने की जो रेसिपी है उसमें भी आप देखें सीक्वेंस मैटर करता है कि अगर एक सीक्वेंस में ही हम चीज करेंगे तो वो होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा वो। तो जहां पे सीक्वेंस मैटर करता है वहां पे हमें नंबर वाली लिस्ट का इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट जो है वो क्या होती है कि एक जैसे डिक्शनरी आपने यूज की हो तो डिक्शनरी में क्या होता है कि जी ए से सारे वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग उसके एक डेफिनेशन हमें नजर आ रही होती है। तो उस तरह की अगर लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए DL करके डेफिनेशन लिस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल बताया इन्होंने। अच्छा, ये कोड एज इट इज आप लिखेंगे तो ये चल पड़ेगा। इसमें आप देखें DL करके, जैसे उसमें ना OL ऑर्डर्ड लिस्ट, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये DL है डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट में क्या होगा, एक DT है यानी डेफिनेशन टर्म, और एक DD डेफिनेशन डेटा, मे बी आई एम नॉट श्योर कि DD का क्या मतलब है। तो इस तरह ना ये पेयर में है। ठीक है, ये एक एक पेयर आपको करके ना यहाँ पे नजर आता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें दो टर्म्स हैं और उसके साथ एक डेफिनेशन है, और ये कुछ नजर आपको स्क्रीन पे इस तरह से आएगा कि जी ये एक टर्म है उसके आगे डेफिनेशन है, एक और टर्म है फिर डेफिनेशन है एक और। अच्छा, दो टर्म एक साथ लिखी हुई है फिर डेफिनेशन है, कोड में भी इन्होंने इस तरह किया। तो ये डेफिनेशन लिस्ट बहुत ही सिंपल सी चीज है। ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में ये होता था कि सीधे सीधे आइटम्स होते थे, इसमें किसी टर्म के किसी वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग में एक आइटम है। एक ही टैग इस्तेमाल हो रहा है, एक ही लेवल पे चल रहा है, ये एक ही लेवल पे चल रहा है, एक ही ऊपर DL ओपन हुआ है और यहाँ DL क्लोज हो गया है नीचे इधर, और इसके दरमियान में ना एक ही सीक्वेंस में ये चल रहा है। सबसे पहला वाला जो है वो डेफिनेशन टर्म है, दूसरा डेफिनेशन डेटा है, फिर डेफिनेशन टर्म, फिर डेफिनेशन डेटा, इस तरह चल रहा है एक ही सीक्वेंस में ये। यहाँ पे इन्होंने मजीद भी कुछ लिखा है जी कि DT इज यूज्ड टू कंटेन द टर्म बीइंग डिफाइंड, जो टर्म डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, और DD दिस इज यूज्ड टू कंटेन द डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ ये तो काइंड ऑफ इसने डिक्शनरी वाली चीज ही बनाई है, लेकिन ये डिक्शनरी के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे वो आपने देखा होगा कि वो बचपन में हम पढ़ते थे ना कि एक वर्ड दिया हुआ है इसका आप जुमला क्रिएट करें कि जी एक अब एक घोड़ा लिखा हुआ है वर्ड, अब उसके आगे आपने एक जुमला बनाना है इस घोड़े से, तो आप कहेंगे घोड़ा घास खाता है, एक जुमला हो गया। तो वो या इसी तरह कोई ईडियम आपको बनाना है किसी वर्ड को लेकर, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो जहाँ पे ना ये आ सकता है। या मिसाल के तौर पे कोई बंदों का नाम लिखा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपने उस बंदे के बारे में कोई बात करनी है, ठीक है ना, मतलब चार पांच बैट्समैन है तो लाइन से नाम लिखे हुए हैं और उसके आगे आपने कुछ कॉरस्पॉन्डिंग में उसके बात करनी है, तो इस तरह की जगहों पर आपको इसकी जरूरत जो है ना पड़ सकती है।
अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है कि लिस्ट जो है वो नेस्टेड भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा नेस्टेड लिस्ट कैसे हो सकती है कि जी एक लिस्ट है उसके अंदर एक दूसरी लिस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अच्छा इसको अगर मैं आपको करीब करके दिखाऊं तो आप देखें, मॉसेस पेस्ट्रीज। अब पेस्ट्रीज के अंदर उसकी कुछ मजीद किस्में हैं कि एक क्रोसेंट है और पता नहीं, ये तीनों के मैंने कभी नाम ही नहीं सुना है। बड़े मुश्किल इसमें वर्ड्स इन्होंने लिख दिए हैं यार, कोई बिरयानी टिक्का विक्का लिखते हैं इसमें, हमें भी मज़ा आता लेकिन गोरा है ना वो, उसको नहीं पता बिरयानी का। तो अच्छा, तो यहाँ पे इसको बनाया कैसे, एक यूएल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये यूएल नीचे क्लोज हो गया। अच्छा ये यूएल क्लोज होने के बाद क्या हुआ, पहला लिस्ट आइटम इसमें आ गया हमारे पास, फिर ये दूसरा लिस्ट आइटम जो आप आया ना, आप नोट करें इस लिस्ट आइटम को इन्होंने क्लोज नहीं किया हुआ। ये वाला पहला वाला क्लोज हो गया, ये क्लोज नहीं हुआ अभी तक। क्लोज नहीं हुआ का मतलब है ये अभी चल रहा है, और ये एक पूरा का पूरा ना, एक पूरा का पूरा कंप्लीट लिस्ट इसके अंदर आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा यूएल इसके अंदर आ गया, और ये यूएल जहां खत्म हो रहा है ना तो वहां पे फिर इसको भी क्लोज कर दिया है। तो ये इधर से ओपन हुआ है और ये इधर क्लोज हुआ है, और इसके दरमियान में आप देखें पूरी एक लिस्ट कंप्लीट मौजूद है। तो नेस्टेड लिस्ट आप इस तरह बना सकते हैं। अभी इन्होंने एक के अंदर एक लिस्ट लगाई है, आप दो तीन चार इसको मजीद नेस्ट भी, इसकी मजीद नेस्टिंग आप कर सकते हैं। और ये तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये यहां से शुरू होके ये इधर तक ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो मेन जो लिस्ट है उसमें तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है। वापस आके इधर देखें तो मेन लिस्ट में एक दो और ये तीन पॉइंट है, और सेकंड वाले के अंदर जो है वो मजीद चार पॉइंट्स हैं जो कि ऊपर हमें दिख रहे थे। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में इसने एक जो वेबसाइट बनाई थी यहाँ पे वो आपको दिख रही है। अच्छा इस तरह की वेबसाइट आप कोशिश कीजिएगा आप लोग बना लें, और क्योंकि आपने थोड़ी बहुत सीएसएस भी आप लोगों को आती है, तो जिनको आती है सीएसएस, जिनको इमेजेस वगैरह लगाना आती है, तो वो कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छी सी वेबसाइट रेसिपी वाली बना लें, ठीक है। अच्छा जिनको नहीं आता तो वो इतना एटलीस्ट ज़रूर बना लें जितना बुक में इन्होंने जिक्र किया हुआ है, ठीक है लिस्ट। और अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप रेसिपी की ही वेबसाइट बनाएं, कोई सी भी ऐसी वेबसाइट आप बनाएं जिसके अंदर ये लिस्टों का इस्तेमाल हुआ हो, ये जो तमाम लिस्ट आपने पढ़ी है इसका इस्तेमाल हुआ हो। अच्छा जी,